फॉसिल फॉसिल एग्रीगेट वाले सरणी में जाएंगे, एग्रीगेट वाले सरीर में जाएंगे। एग्रीगेट की सरीर में दूसरा क्रिटिकल है, पहला क्रिटिकल हम कर चुके हैं जो हमारा एग्रीगेट है रूट मेटल है उसका क्रशिंग वैल्यू कितना होना चाहिए जब हम रूट कंस्ट्रक्ट कर रहे हों। दूसरा क्रिटिकल कर चुके थे हम कि जो हमारा रूट एग्रीगेट रूट मेटल जो है उसका इम्पैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए। सेम वैसे ही हमारा तीसरा क्रिटिकल है कि जो हमारा रूट मेटल है रूट एग्रीगेट उसका लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू कितना होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो भी टॉप क्लीनिंग कोर्स होते हैं रोड में, जिस पर से हमारे बहुत सारे व्हीकल्स पास होते हैं, हम पास होते हैं उसमें जब कुछ टीयर एंड वियर होता है, जैसे कि हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट कह रहा है टू डिटरमाइन द लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू ऑफ द गिवन एग्रीगेट सैंपल, जो हमारे एग्रीगेट का सैंपल है उसका एब्रेशन वैल्यू कितना होना चाहिए, इससे हम कौन सा प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं अपने एग्रीगेट का। इसमें हमारा प्रिंसिपल है फाइंड आउट द टीयर एंड वियर प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन एग्रीगेट सैंपल। इसमें जो हम प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे तो टीयर और वियर होगा, जो हमारे एग्रीगेट में टूट फूट होंगे जो भी व्हीकल्स उस पर मूव होती हैं उसके वजह से, और उसकी यूटिलिटी फ्यूचर यूटिलिटी के बाद जब उसमें टीयर एंड वियर होने लगते हैं वो कितना होंगे, कितना तक होना चाहिए, कितना परमिजिबल होना चाहिए, अलाउेबल कितना होना चाहिए, वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। देन आफ्टर उस मटेरियल को हम अपने रोड में यूज करेंगे। जैसे कि हमारे मटेरियल जो होते हैं, हमारा एक तो बिटमन होता है और एक हमारा रोड एग्रीगेट होता है। अभी हम एग्रीगेट का कर रहे हैं, बिटमन बाद में करेंगे। एग्रीगेट का तीसरा क्रिटिकल है हमारा एब्रेशन वैल्यू। इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं रोड मेटल जिसको एग्रीगेट कहते हैं, और एब्रेशन चार्जेज जो होते हैं जो हम अपने लॉस एंजल्स मशीन में एब्रेशन चार्ज डालते हैं जिससे हमारी एग्रीगेट पे हमारे रोड मेटल पे फ्रिक्शन जनरेट होता है उसकी हट से, जब उसके अंदर रोटेशन होते हैं रिवॉल्यूशन जब उसमें लगते हैं रोटेशंस के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा एग्रीगेट है रोड मेटल है उस पर फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट के कारण उसकी जो टूट फूट होगी, जो टीयर एंड वियर होगी, उसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है वो कितना हो रहा है। इसके लिए जो हमारा एब्रेशन चार्ज होता है वो हमारे पास जो एग्रीगेट होती है उनकी ग्रेडिंग होती है। सबसे पहले जो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है उसको समझते हैं, हमारा जो ए बी सी डी तक का ग्रेड का एग्रीगेट होगा उसके लिए जो हम अपना एब्रेशन चार्ज यूज करेंगे उसके लिए मिनिमम 6 to 12 बॉल यूज करते हैं। जो इसमें एब्रेशन चार्ज होंगे इसको स्टील बॉल भी कहते हैं, लेकिन इसका टेक्निकली नाम एब्रेशन चार्ज ही होता है, जिसका वेट 390 ग्राम से 445 ग्राम तक होता है, 390 ग्राम से लेकर 445 ग्राम तक एक बॉल का वजन होता है। और ये इन सब का डाया जो होता है 48 to 50 mm के करीब होता है, 4.8 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के डाया के एब्रेशन चार्ज होते हैं। इनको 6 से 12 संख्या में यूज करते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद से जो हमारा रिक्वायर्ड एपरेटस है उनमें क्या क्या चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें लॉस एंजल्स एब्रेशन मशीन चाहिए। इलेक्ट्रिकली ये मूव होता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। सीप चाहिए। इसके पहले जो हम दो क्रिटिकल दिए थे, एक तो हमारा एसीवी टेस्ट जो था एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, और एक हमारा आईवी टेस्ट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। उसके लिए जो हम सीप यूज कर रहे थे वहाँ पे 2.36 mm की साइज की सीप यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो सीप यूज करेंगे हम 1.76 mm की सीप यूज करेंगे। उसके बाद से हमारा ट्रे होगा, उसके बाद से हमारा वेट मशीन होगा। इसमें जो टीयर और वियर जो लॉस निकालेंगे ना उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमारा नेक्स्ट टेस्ट प्रोसीजर जो होगा, सबसे पहले हम हमने आपको इसके पहले वाले प्रैक्टिकल में ही शुरू में बता दिया था, जो भी हमारा एग्रीगेट होता है वो ओपन एनवायरनमेंट में रहता है, उसमें कुछ मॉइस्चर होती हैं, उनको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले क्या किया जाता है, ओपन ड्राई किया जाता है 105 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, 105 to 110 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम ओपन ड्राई करते हैं, जिसमें उसमें जो भी उसके टॉप सर्फेसिस में मॉइस्चर होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। जैसे ही उस पर से वो मूव होती हैं तो वो हमारा एक ड्राई फॉर्म में जो उसका सरफेस होता है एग्रीगेट का मिल जाता है, जिसके बाद से उस पर हम अपना पेट्रोल परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट जो होता है हमारा अच्छा आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एग्रीगेट का सिलेक्शन करेंगे, एग्रीगेट सिलेक्शन करने के बाद ओवन ड्राई करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए 3 to 4 hours 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद से उस एग्रीगेट को
देखेंगे वो किस ग्रेड का है, ए बी सी डी ग्रेड का होगा। उस एग्रीगेट को हम 5 केजी तक, नियर अबाउट 5 केजी तक लेंगे और उसमें हम 6 to 12 बॉल एब्रेशन चार्ज यूज करेंगे, जिसको स्टील बॉल कहेंगे, जिसका वजन 390 से 445 ग्राम का होगा और एक बॉल का डाया 4.8 सेंटीमीटर से लेकर 5.0 सेंटीमीटर यानी कि 48 mm से 50 mm के करीब होगा। 6 से 12 बॉल हम यूज करेंगे इसमें। उसके बाद से उन दोनों को एक साथ, यदि ए बी सी डी ग्रेड का है तो 5 केजी उन दोनों को, मटेरियल प्लस एब्रेशन चार्ज को, दोनों को एक साथ लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन के लीड को ओपन करेंगे और दोनों को एक साथ उसमें फिल कर लेंगे। इसलिए कि जब हम लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू जब निकालें उसकी जो लॉस है कितनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 5 केजी लिए हैं वो हमारा W1 हमारा वजन होगा, वेट होगा, पहला इनिशियल वेट होगा। उसके बाद से जैसे ही हम उसमें अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, दोनों को फिल कर दिए अपनी लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन में, अब जब उसको हम ऑपरेट करेंगे तो ये ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारा रिवॉल्यूशंस होगा, जो रोटेशन होंगे उसके 30 to 33 पर मिनट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। वो ऑलरेडी सेट होता है, वो हमें मैनुअली भी करना चाहे, देखना चाहे, चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी सेट होता है 30 to 33 पर मिनट के हिसाब से ही उसमें रिवॉल्यूशन रोटेशन से लगते हैं। और ये आगे बात ये ध्यान देने वाली है, जो हमारा ए बी सी डी ग्रेड का एग्रीगेट है उसके लिए जो हम रिवॉल्यूशन देंगे वो 500 नंबर्स के होंगे, यानी कि 500 चक्कर लगाएंगे। और यदि हमारा डी के बाद ई एफ जी ग्रेड का एग्रीगेट होगा उसके लिए हम 1000 रिवॉल्यूशंस या फिर रोटेशंस देंगे, जो हमारा डी के बाद जो स्टार्ट होगा ई एफ जी ग्रेड के लिए होगा। इसमें बहुत सारे साइज की एग्रीगेट होती हैं, हम 10 mm के एबव वाले एग्रीगेट को ही लेके यूज करते हैं। 10 mm के एबव एग्रीगेट जो हमारा 10 होगा, 12.5 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 25 होगा, यहाँ से लेते लेते हम डायरेक्ट 80 mm तक के एग्रीगेट को हम यूज कर सकते हैं, जो बोल्डर होते हैं, जो पिचिंग के काम होते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पर यूज करेंगे उसमें हम जो 20 to 25 mm वाले साइज ऑफ एग्रीगेट को ही यूज करेंगे, उसको हम चेक, और वो जो हमारे पास एग्रीगेट अवेलेबल है वो ए बी सी डी ग्रेड का है और इसके लिए जो हम एब्रेशन चार्ज यूज करेंगे वो 6 बॉल होगा और 5 केजी होगा। और इन दोनों को एक साथ हम अपने लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन में फिल करेंगे और फिल करने के बाद लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन को ऑन कर देंगे, जो एक मिनट में 30 to 33 पर मिनट के हिसाब से रिवॉल्यूशन रोटेशन देगा। देन आफ्टर उसको निकालेंगे ट्रे में निकालने के बाद उन जो इनिशियल वेट था वो हमारा W1 था। अब उसके बाद से ट्रे से निकालेंगे तो 1.76 ISC से उसको क्या करेंगे, सीव करेंगे। सीव करने के बाद रिटेंड पार्टिकल को अलग रखेंगे, पास पार्टिकल को अलग रखेंगे। जो रिटेंड पार्टिकल है उसका वेट करेंगे, वो हमारा W2 होगा। अब यहाँ से हम लॉस निकालेंगे। लॉस निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है W1 - W2 / W1 × 100। यहाँ से हमारा लॉस निकल जाएगा। यही वैल्यू हमें बताएगी कि जो हमारा एग्रीगेट है उसका एब्रेशन वैल्यू, लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू कितना है। हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो पास हुआ है एग्रीगेट का जो फाइनेस्ट पार्टिकल उसका वेट कर लें और जो इनिशियल वेट था डायरेक्ट उसका भी वेट कर लें। इन दोनों के रिस्पेक्ट में जब W2 / W1 × 100 करेंगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट हम चाहें तो अपना लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो निकालने का तरीका है हमारा इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100 करते हैं तो हमारा एक लॉस निकलता है। वही एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो हमको बताता है कि हमारे इस एग्रीगेट का इतना परसेंटेज ऑफ लॉस निकला हुआ है, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि जो हमारा एग्रीगेट है वो यूज़ करने लायक है कि नहीं, जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो कितनी है, उसका टीयर एंड वियर, उसका जो टूट फूट हुआ है वो कितना हुआ है। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारा प्रोसीजर होगा ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन का, जिसके लिए हम W1 इनिशियल वेट ऑफ एग्रीगेट पर ए बी सी डी ग्रेड जो 5000 ग्राम लेंगे वो होगा और W2 रिटेन ऑन 1.76 mm पार्टिकल का वेट होगा, जो 1.76 से हम पास कर देंगे उसका वेट नहीं लेंगे, जो उसमें रिटेन होगा अलग रखेंगे कलेक्ट करके उसका वेट लेंगे, वो हमारा होगा W2। यहाँ से उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे परसेंटेज लॉस W1 - W2 / W1 × 100% करके एक लॉस निकल के आएगा, वही हमारा बताएगा कि लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू का जो लॉस आया है वो कितना है। और लास्ट में हमारा प्रिकॉशंस होगा कि जो भी हम अपना वर्क करें बहुत ही ध्यान से करेंगे, जो भी हम वेट लेंगे बहुत ध्यान से लेंगे,
जो अपना हम मशीन ऑपरेट करेंगे, जो हमारे पास में सबसे मशीन है इलेक्ट्रिकली ऑन होता है, वह कोई जब रोटेशन लग रहा हो, रिवॉल्यूशन लग रहा हो तो उससे दूर खड़े होंगे, और जो भी उसके अंदर हम एब्रेशन चार्ज डालेंगे वो ध्यान से जो उसका लीड है बंद होना चाहिए, अदरवाइज वो बाहर निकल के इधर उधर छटक के बॉडी पे लग सकते हैं जिससे हमें हार्म हो सकता है। ये सब हमारे प्रिकॉशंस हैं, ये हम अपने माइंड में पहले से फिट रखेंगे कि जो भी इसके प्रिकॉशंस हैं कैसे हमें फॉलो करना है। लास्ट में इसका जो कंक्लूजन होगा, जो हमारा एब्रेशन वैल्यू आया है वो किस टाइप का है और वो उसका जो यूज है वो हम कर सकते हैं कि नहीं, जो हमारा एब्रेशन वैल्यू आया है वो कितना है, उसके हिसाब से हमारा जो टॉप बियरिंग कोर्स है उसके लिए वो प्रीफरेबल है या फिर नहीं, ये अभी हम आपको करके जब कराएंगे प्रैक्टिकल तो दिखाएंगे। ये हमारा इनिशियल वेट, जो भी हम अपना एग्रीगेट लिए हैं उसका इनिशियल वेट ले लेंगे, जैसे कि हम ए बी सी डी ग्रेड के लिए, जो हमारा ये एग्रीगेट है ए बी सी डी ग्रेड का ही है, और नियर अबाउट हम 5,000 ग्राम बोले थे, लगभग 5 kg के आसपास इसको लेना है हमें, ठीक है। हमने ये इनिशियल वेट ले लिया है, ये हमारा इनिशियल, अब इसमें हम क्या करेंगे, एब्रेशन चार्ज डालेंगे और एब्रेशन मशीन में जाके एक साथ फिल कर देंगे। ये स्टील बॉल हैं, ये रॉड आयरन से बने हुए हैं, ये हमारा एब्रेशन चार्ज है जो रॉड आयरन से बने हुए हैं। ये एक का वजन 390 to 445, 390 से 445 ग्राम के आसपास का है, तो जो इसका डाया है वो लगभग 48 mm से 50 mm, 48 mm to 50 mm के करीब का है, और यही हमारा इस एग्रीगेट के अंदर फ्रिक्शन जनरेट करेगा जिसके वजह से इसके टीयर एंड बियर वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो फाइंड आउट होगी, यही फ्रिक्शन इस पर जनरेट करेगा। ये हमारे एग्रीगेट के ऊपर, जो भी हमारा एग्रीगेट है इसके ऊपर ये हमारा जो एब्रेशन चार्ज है ये फ्रिक्शन जनरेट करेगा जिससे इसके ऊपर टीयर एंड बियर वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी, और लास्ट में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है। प्लस एब्रेशन मशीन, इसका ये लीड हमने खोल लिया है, लीड खोलने के लिए इसको निकाल, ये जो हमारा टोटल एब्रेशन चार्ज और ये जो एग्रीगेट है इन दोनों को एक साथ इसके अंदर फिल कर लिया। फिल करने के बाद उठाएंगे और इसको अच्छे से ऑफ कर देंगे, ये हमारा हो गया ऑफ। ये हमारा मशीन होगा ऑफ, भी ऑन करेंगे, ये हमारा ऑन हो चुका है, ये हम ऑलरेडी इसमें इसको जीरो कर लेंगे। अब ये हमारा सेट हो चुका है, अब जो भी इसमें इसका जो रिवॉल्यूशंस लगेगा वो 32-33 पर मिनट के अकॉर्डिंग लगेगा। इस मशीन के स्पेसिफिकेशन के बारे में सुन लीजिए, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये हमारा एक ड्रम टाइप का अपरेटस लगा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसके वर्टिकल ये मूव करता है। इसका जो साइज है ये हमारा 50 cm 500 mm का है, जो इसका डाया है वो 70 cm 700 mm का है, ठीक है। इसके अंदर जो एब्रेशन चार्ज हम फिल किए हैं वो 390 to 445 ग्राम के हैं, उनके डाया 48 to 50 mm के। यहाँ से हम अपने मशीन को ऑन कर देंगे, ऑन हो चुका है, और इसमें हमने 500 रिवॉल्यूशन हमने सेट कर दिया है, 500 ही ये चले, ये दिखाइए ये चल रहा है, ठीक है। अब ये है, हमने स्किप कर दिया था, 500 रिवॉल्यूशन इस पे ऑलरेडी लग चुका है, अब ये इसका लीड हम निकालेंगे।
अभी हमारी टोटल एग्रीगेट एब्रेशन मशीन से बाहर निकल चुका है और अपने लॉस एब्रेशन चार्ज को बाहर करेंगे, उन सबको साफ़ करेंगे, साफ करके इन सबको 1.767 से सीप करेंगे, रिटर्न पार्टिकल को अलग रखेंगे और पास हुए पार्टिकल को अलग रखेंगे। ये हमारे टोटल एग्रीगेट प्लस एब्रेशन चार्ज बाहर निकल चुका है, अब इसको हम सीप करेंगे और इसको हम इसके लीड को ऑफ कर दिए हैं, मशीन को लीड को लगा दिए और अपने टोटल एग्रीगेट को हम क्या करेंगे, सीप करेंगे। एग्रीगेट को सीप कर लिया है, जो भी हमारा मशीन से निकला हुआ था सीप करने के बाद जो हमारा अलग निकला इसको अलग रखे हैं। ये रिटेंड हुआ पार्टिकल है जिसको हम सब अलग रख रहे हैं, 1.76 से सीप किए हैं। ये हमारा जो पार्टिकल टीयर एंड वियर हुआ है, जो बेस्ट पार्टिकल है, इसको अलग रखेंगे। इसका हमें वेट नहीं करना है, स्पटल का वेट करना है। स्पटल का क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। ये हमारा 4.8120 4820 ग्राम, इसके पहले 5000 ग्राम था, ये 4820 ग्राम है। अब यहाँ से हम अपना वैल्यू निकालेंगे। ये एक मिस्टेक हुआ था, 2.36 लगता है कहने की वजह से, यहाँ जो हम सी यूज करेंगे 1.70 एमएम की सी यूज करेंगे, हाँ 1.70 आईएससी है, इससे हम पार्टिकल का टोटल जो सीविंग किए हैं। ये लॉस इन वेट ड्यू टू वियर, वियर के कारण कितना लॉस हुआ है, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट, ये 180 ग्राम हमारा लॉस हुआ है। इसमें डायरेक्ट हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाएगा, जो हमारा 1.80 के करीब यहाँ पे ये लॉस निकल रहा है। और यहाँ यदि इस फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालें, जो हमारा लॉस आ रहा है वो 3.6% के करीब आ रहा है। ठीक है, ये हमारा फाइनल रीडिंग है, यानी कि ये जो हमारा जितना कम वियर आएगा उतना ही मानेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट है, जो हमारा टॉप वियरिंग कोर्स के लिए एग्रीगेट है, वो बेहतर है, बेस्ट। ठीक है, जो 3.6 यानी कि जो हमारा एग्रीगेट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका जो वियर एंड वियर कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कम होने की है, यानी कि जो उसमें वियर जो वियर होगा बहुत कम होगा, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, यदि हम WPM के लिए देखें, WPM के लिए हमारा होता है 60% अकॉर्डिंग टू IRC, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग हमारा WPM का होता है 60%, लेकिन हम जब कंक्रीट सर्फेस के लिए लेते हैं, कंक्रीट सर्फेस के लिए 30% होता है, यानी कि इससे लेस जितना आ जाए, 30% से लेस जितना आ जाए उतना ही बेहतर माना जाता है। जो भी हमारा जो 3.6 आ जाए वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, यानी कि हमारा जो एग्रीगेट है उसकी जो वियर की कैपेसिटी है, उसमें जो टूट फूट है बहुत ही कम हो रहा है, यानी कि जो हमारी एग्रीगेट है वो ठीक है और उसको हम अपने कंक्रीट सर्फेस में या फिर वाटर फॉर्म मेटल में यूज कर सकते हैं। या ये रहा हमारा प्रैक्टिकल का लास्ट कंक्लूजन, इससे हम ये पता लगा रहे हैं कि जो हमारा कंक्रीट सरफेस रोड है, चाहे वाटर पम्प मैकेडम का रोड है, जो उस पर टॉप वियरिंग कोर्स के लिए जो यूज करेंगे उसका वियर कैपेसिटी, जो वियरिंग हो रहा है, जो टूट फूट हो रहा है वो कितना हो रहा है, जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। यहाँ पर हमारा 3.6 निकला है, बहुत कम हो रहा है, हम WPM के लिए 60% लेते हैं और कंक्रीट सरफेस रोड के लिए 30% लेते हैं।